वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी के बंद तहखाने की याचिका की सुनवाई 15 फरवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी को अगली तारीख दी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे के पक्षकार राखी सिंह ने बंद तहखाने को खोलने की मांग उठाई है। एएसआई को अंदर पत्थरनुमा दीवार हटाकर सर्वे करने के आदेश दिए जाने की अपील की है। नई याचिका राखी सिंह के अधिवक्ता बहादुर सिंह, अनुपम त्रिवेदी और सौरभ तिवारी ने दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी। राखी सिंह ने याचिका में बंद तहखानों का नक्शा भी लगाया है तथा अन्य गुप्त तहखाने जो तहखानों के अंदर है उनका भी सर्वे करने की मांग की गई है। अपील में कहा गया है कि ज्ञानवापी का संपूर्ण सत्य उजागर होना चाहिए, जिससे लोगों को सच्चाई का पता लग सके। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख सुनिश्चित की थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगे सुनवाई की बात कही। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के नीचे 8 तहखानों का भी साइंटिफिक सर्वे कराने की अपील की है। साथ ही वजूखाने और शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने वाले मुकदमे में इसकी भी मांग की गई है। दो कोर्ट है, सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जिला जज कोर्ट की अपेक्षा छोटी कोर्ट है, तो दोनों कोर्ट भी अलग अलग है। ऐसे कुछ बातें दौरान बहस बताई भी गई और हमारा व्यक्तिगत मैंने भी जिला अपन न्यायाधीश से बोला कि यदि आप निर्णय कर सकते हैं तो मुकदमे को सुनवाई करिए, दो दो दिन का डेट लगाने से कोई औचित्य है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंचार्ज हूँ, अब इंचार्ज में कोई भी ऐसे प्रार्थना पत्र का निस्तारण संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने 15 फरवरी डेट लगा दिया। अब 15 फरवरी को कोई जिला जज आएंगे जो चार्ज में रहेंगे, क्योंकि सर्वे का पुनः आदेश देना या सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति ग्राह करना या सर्वे रिपोर्ट को पुष्ट करना या इस प्रकार का कोई भी आदेश जो न्यायालय इंचार्ज रहेगा वो नहीं करेगा, जब न्यायालय सक्षम आएगी वो करेगा, इसलिए 15 फरवरी डेट।